लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से, और काफी मजबूत शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। जापान के बाजार तो आज बंद रहेंगे, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए मजबूत शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, 18,300 के ऊपर, करीब करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो काफी अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट से संकेत भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ घबराने वाले यहाँ पर पॉइंट्स फैक्टर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में अगर हम देखेंगे तो कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों की तेजी देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर पर डाउ जोन्स बंद हुए। S&P 500 की बात करेंगे तो सितंबर से लेकर अभी तक का आंकड़ा देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ कि 4,000 के ऊपर की क्लोजिंग S&P 500 में देखने को मिली। वहीं नैसडैक में भी अच्छी क्लोजिंग थी, करीब 150 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो तीनों ही इंडेक्सेस काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि दिसंबर में फेड की तरफ से कुछ नरमी की बात की जा रही है, ब्याज दरों में जो तेजी का रुख अभी तक चल रहा था बढ़त का, वहां पर कहीं ना कहीं एक नरमी देखने को मिल सकती है और उसी की वजह से इन्वेस्टर्स काफी एंकरेज नजर आए कुछ कॉमेंट्री से, और आने वाले जो फेड के मिनट्स होंगे उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। उसके पहले अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा एक और फैक्टर है, चीन में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी डर कम हुआ बाजार में और अब जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो अच्छी अर्निंग पर है, मजबूत अर्निंग पर है। और कल हमने देखा कि बेस्ट बाय का शेयर में करीब 13% की तेजी देखी गई गाइडेंस बढ़ाने के बाद। तो वहां पर जो अर्निंग्स आ रही हैं उस पर फिलहाल इन्वेस्टर्स का फोकस है और कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि आगे के फोरकास्ट कंपनियां काफी अच्छे दे रही हैं। यूरोप के बाजारों से भी ऐसे कुछ संकेत देखने को मिले, यूरोप के बाजार 3 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। इसके अलावा बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट भी फेड के जो बयान है उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए, एक नर्म रुख की बात की जा रही है। उसके चलते हमने देखा कि US 10 ईयर्स यील्ड्स में एक हल्की नरमी 3.75% के पास थे, डॉलर इंडेक्स 107 के पास और सोना भी दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। तो नजर है अब फेड मिनट्स पर कि वहां पर किस तरह की कमेंट्री आती है। इसके अलावा सऊदी अरब और ओपेक प्लस की तरफ से आउटपुट में कटौती जारी रहेगी, इस तरह के बयान आ रहे हैं सऊदी की तरफ से, जिसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में भी एक हल्की तेजी थी करीब 1% की और 88 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में तो हमने देखा कि एक दायरे में ही कारोबार नजर आया, लेकिन इक्विटी मार्केट में ग्लोबल अगर संकेतों को देखें तो वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन चीन का एक फैक्टर है जिस पर की नजर रखिए, कोरोना के मामले वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये आंकड़े कुछ दिक्कत दे सकते हैं, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल अभी फिलहाल संकेत देखें तो ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब एक बार आपको FIs और DIs के आंकड़े भी बता देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज रणनीति क्या अपना के चलनी चाहिए। और संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की बात करें तो FIs की तरफ से कैश मार्केट में करीब करीब 698 करोड़ की बिकवाली हुई है, DIs ने 636 करोड़ की खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर में 1521 करोड़ की खरीदारी देखी गई FIs की तरफ से। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो करीब करीब 2580 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से देखने को मिली है। अब ये जो हफ्ता है हम देखेंगे कि कल एक्सपायरी भी है, सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उस लिहाज से क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल के क्षितिज गांधी मौजूद हैं इस वक्त। क्षितिज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्यूज तो ठीक ठाक ही है आज भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन कल सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपना के चले? जी, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए पूजा, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं हमें। अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो ग्लोबल मार्केट जिस तरह की क्लोजिंग कल के सेशन में आई है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट अपने डे हाई के ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया, और कल के सेशन में इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो आखिरी आधे से पौने घंटे में जिस तरह की रिकवरी भारतीय बाजारों ने निचले स्तरों से दिखाई, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए आज के सेशन में भी। आज हालांकि SGX निफ्टी 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग
की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के सेशन में भी ये जो कल का एक पुलबैक रैली देखने को मिला था पिछले तीन सेशन की गिरावट के बाद, जो कि हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग थी, उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते अब ये एक जो पुलबैक रैली है मुझे लगता है कंटिन्यू करनी चाहिए आज के सेशन में और आने वाले सेशन में। लेवल वाइज अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल बनता है अपसाइड में वो बनता है 18,300 से लेकर 18,350 के जोन में। यही अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है 18,200 से 18,150 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी बिल्डअप कर लिया है। ऑप्शन राइटिंग की तरफ से भी अगर हम लोग देखें तो 18,200 की स्ट्राइक में काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है, विच एक्चुअली पॉइंट आउट की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कल के हिसाब से 18,200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे निफ्टी बना चुका है। तो जब तक हम लोग 18,200 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं मुझे लगता है अपसाइड जो पुल बैक रैली देखने को मिल रही है मार्केट में ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए पूजा, बैंक निफ्टी इनफैक्ट पिछले काफी सेशन से मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता दिखा और कल के सेशन में भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया और अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ यहाँ पे मूव करता दिखाई दे रहा है। तो लेवल वाइज मुझे लगता है 42,400 से 42,300 का एक जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो 42,550 से लेके 42,650 का जो जोन है इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल नजरिया हमारा भी बाजार को लेके तेजी का ही बना रहेगा और किसी भी डिप पे हम लोग बाइंग करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मार्केट्स में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ओवरऑल तेजी का ही नजरिया लेके चलिए क्योंकि कल जैसा कि क्षितिज ने पॉइंट आउट भी किया दिनभर सपाट कारोबार, दिनभर एक दायरे में कारोबार कर रहा था लेकिन आखिरी कुछ 15 मिनट में काफी अच्छा एक्शन दिखा, तो उसको देखते हुए आगे तेजी करके चल सकते हैं आप। तो कोई भी गिरावट भी आए तो तेजी का ही नजरिया रखिए, इस वक्त भारतीय बाजारों में ये रणनीति आपको बता दी गई है। इसके अलावा क्षितिज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? जी पूजा, देखिए हम लोग ये देख तो रहे हैं कि पिछले कई सेशन से बैंकिंग काउंटर जो ऐसा है काउंटर निकल के आ रहा है जो मार्केट को हमेशा सपोर्ट देता है। तो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी देखिए आउट परफॉर्म कर ही रही है मार्केट को, अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ यहाँ पे मूव करती दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी की बात करें तो अभी भी काफी थोड़ा सा अभी मशक्कत सी महसूस कर रहा है ऑल टाइम हाईज की तरफ मूव करने का। तो मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले सेशन में निफ्टी को यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्म करते हम लोग देखेंगे। और निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे सीमेंट काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो अच्छा सपोर्ट आता दिखाई देगा, ओवरऑल इंडेक्स को भी अच्छा सपोर्ट देगा और आने वाले सेशंस में सीमेंट काउंटर एक ऐसा काउंटर निकल के आएगा जो एक प्रोबेबिलिटी रखता है आउट परफॉर्म करने की। तो आज ये जो स्टॉक्स रहेंगे मेरे पास रडार में वो दोनों ही स्टॉक्स मेरे सीमेंट काउंटर में से हैं। पहला स्टॉक रहेगा ACC का। देखिए अगर हम लोग ACC की बात करें तो स्टॉक अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। हालांकि पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है। डाउनसाइड की बात करें तो 2400 का एक सपोर्ट बिल्डअप किया है। वहीं अगर हम लोग अपसाइड की बात करें तो ACC ने 2500 के लगभग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिल्डअप किया। लेकिन जिस तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे ACC एक स्टॉक निकल के आ सकता है जो यहाँ पे अच्छा दमखम रखता है अपसाइड की तरफ मूव करने का। तो पहला जो स्टॉक रहेगा बाइंग साइड का वो रहेगा ACC का। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 2460 के लगभग। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 2410 रुपए का। टारगेट पोटेंशियल मुझे लगता है 2540 से की तरफ स्टॉक जल्दी मूव कर सकता है। और अगर कोई पोजिशनल नजरिया भी रखना चाहता है तो मुझे लगता है स्टॉक 2600 की तरफ भी इनफैक्ट आने वाले सेशंस में ओवर द पीरियड ऑफ डेज यहाँ पे मूव करने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी रखता है। दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए वो रहेगा दालमिया भारत का। अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल फॉर्म किया है डेली चार्ट के ऊपर और एक अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो मुझे लगता है दालमिया भारत विल बी अ नेक्स्ट कंटेंडर फ्रॉम द सेम काउंटर। तो दालमिया भारत के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉक की क्लोजिंग आई है कल 1713 के लगभग। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1660 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1790 तक के टारगेट पोटेंशियल दालमिया भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ACC और दालमिया भारत आज की पिक्स रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो दोनों सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखिए, यहाँ पर तेजी भी दिखाई दे रही है और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप इन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं अभी भी।